दोस्तों, बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला है और माना यह जाता है कि बदलते समय के साथ जो अपने आप को ढाल ले वही फायदे में रहता है। हाल ही में हमने देखा है कुछ बढ़ते हुए सालों में कि बाहर खाने पीने का प्रचलन बहुत हो गया है, पार्टीज का प्रचलन बहुत हो गया है। छोटी सी बात होती है, हम दोस्तों से पार्टी मांग लेते हैं कि चल यार तेरे इतने % मार्क्स आए हैं, पार्टी दे दे, या फिर हम खुद ही बोल देते हैं कि आज मैंने नई कार खरीदी है, चलो मैं तुम्हें पार्टी थ्रो करता हूँ। इससे सोशल नेटवर्किंग तो बनती ही है, साथ ही साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर भी बन जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब पार्टीज़ में, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा मोटा कीर्तन हो, चाहे जगराता हो, पार्टी हो, शादी हो, बर्थडे हो, इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि जब आप गेस्ट को बुलाते हैं तो जाहिर तौर पर उनके खाने का इंतज़ाम, कैसा खाना होगा, क्या क्या खाएंगे, वो चीज़ डिसाइड करना एक बहुत बड़ी माथापच्ची होती है। ऐसे में हम केटरर्स को रिकमेंड करते हैं कि भाई केटरर कर लेते हैं, सारा सरदर्दी उसकी होगी, क्या बनाना है बस ये बता देंगे, बाकी केटरिंग वाला संभाल लेगा। ऐसे में केटरिंग एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो सकता है, अगर आप भी केटरिंग के बिजनेस में अपने आप को डालना चाहते हैं या केटरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोस आप बिजनेस को लेकर और देखना चाहेंगे। बिजनेस शुरू करने से पहले क्या है जरूरी? अगर आप छोटे स्तर पर यानी कि अपने घर से ही ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको बेहतरीन खाना बनाना आता हो और साथ ही घर में छोटी मोटी मदद के लिए आपके पास कोई ना कोई हो। ऐसे कुछ लोगों को काम पर रखना होगा जो अच्छी तरह से खाना बनाने का अनुभव रखते हों और अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से समझते हों। साथ ही आपको इसके लिए सामान लेने की भी जरूरत होगी, जैसे कि सभी तरह का किचन से जुड़ा सभी सामान और साथ ही पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आइटम। ये कुछ चीज ऐसी हैं जो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बेहद जरूरी हैं। बिजनेस के लिए लाइसेंस बनवाना। किसी भी खाने के बिजनेस में सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो है साफ सफाई। याद रखें कि आप जो खाना भेज रहे हैं सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा है, इसलिए केटरिंग बिजनेस में आरोग्य विभाग लाइसेंस देता है। आपके द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद आरोग्य विभाग से कर्मचारी आकर पूरी तरह से आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किचन की साफ सफाई का बेहद बारीकी से मुआयना करते हैं और उसके बाद अगर सब चीजें सही हैं, तो सब मापदंड जांचने के बाद वो परमिट देते हैं। एक बार लाइसेंस बनने के बाद आप कानूनी तौर पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपका खाना और उसकी पैकिंग हो आकर्षक। एक बहुत ही जानी मानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये कहावत इस बिजनेस में बहुत ही मायने रखती है। बेहद जरूरी है कि आप खाना अच्छी तरह से पैक करके भेजें। ऐसा ना हो कि खाना अच्छा हो पर पैकिंग की खराबी के कारण सब बिगड़ जाए। साथ ही खाने के साथ भेजी गई कटलरी जैसे कि चम्मच, कांटा आदि भी आकर्षक हों। ऐसा करने से आपका आधा काम यूं ही पूरा हो जाता है। खाने में पहले खासियत पर ध्यान दें। बिजनेस को बढ़ाना अच्छा है पर हमेशा ध्यान रखें कि जिस खासियत के चलते लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया उसे कभी ना भूलें। बहुत ज्यादा फूड आइटम्स बनाने से बेहतर है कि जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं वही करें। जब तक लोग आपकी खासियत नहीं पहचानेंगे आपका बिजनेस बढ़ने में परेशानी आती रहेगी। कीमत पर ध्यान देना जरूरी। केटरिंग के बिजनेस में कंपटीशन काफी ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे में अगर आप शुरू में ही खाने के दाम ज्यादा रखेंगे तो आपको कस्टमर तक पहुंच बनाने में समय लग सकता है और हो सकता है ग्राहक ज्यादा पास ना आए। इसलिए शुरू में आपके खाने की क्वालिटी लोगों तक पहुंचाने पर जोर दें। एक बार लोग आपके केटरिंग सर्विस और खाने को पसंद करेंगे तो आप धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाने के साथ अपनी लागत के अनुसार दाम रख सकते हैं। ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाना है बेहद जरूरी। केटरिंग का बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इसमें सबसे अहम बात है आपके ग्राहक। कोशिश करें कि आप अपने ग्राहक से अच्छे रिश्ते रखें ताकि वो आपके व्यापार के बारे में अपनी जान पहचान के और लोगों को भी बताएं और ऐसे करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑफर मिले। इस बिजनेस में मार्केटिंग से भी ज्यादा काम आता है कि आपके कितने मौजूद ग्राहक अपने जानने वाले हैं, अपने जानने वाले को आपके बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। अच्छी मार्केटिंग है इस बिजनेस की जान। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में पहुंचने का सबसे आसान तरीका है मार्केटिंग। आप अपने बजट के अनुसार मार्केटिंग का तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाएं और आने वाले हर ऑर्डर के साथ उन्हें भेजें ताकि समय पड़ने पर आपके मौजूदा ग्राहक इन्हें बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा पैम्फलेट्स या अखबार में इश्तिहार देकर आप अपने बिजनेस की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप ज्यादा पैसा ना भी खर्च करना चाहें तो एक फेसबुक पेज बनाकर अपने हर ऑर्डर को पोस्ट करते हुए अपना खुद ही प्रचार कर सकते हैं। साथ काम करने वालों को दे अहमियत। हमेशा ध्यान रखें इस बिजनेस में आपके साथ काम करने वाले लोग बाकी बिजनेस के मुकाबले कहीं ज्यादा अहम हैं, क्योंकि उन्हीं के चलते मार्केट में आप एक खास पहचान बना रहे हैं और उनके जाने से आपके बिजनेस की ये पहचान जा सकती है। इसलिए उनके मालिक नहीं बल्कि दोस्त बनने की कोशिश करें। बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट है जरूरी।
अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो शुरुआती खर्च 5 से 6 लाख तक आ सकता है। इन सब के अलावा कुछ छोटी बातें जो जरूरी हैं वो है कि कभी भी ग्राहक की दी हुई डेडलाइन के बाहर ऑर्डर का टाइम ना जाने दें, क्योंकि ज्यादातर लोग केटरिंग की सेवा शादी या किसी खास पार्टी के लिए करते हैं। ऐसे में कोई भी ग्राहक खाने में देरी होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भले ही खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो। साथ ही खाने की क्वालिटी, इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां, मसाले आदि का भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। यही सही मायने में आपका काम ही आपकी पहचान है और आपका काम ही आपको और काम खींच कर देता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो देखा आपने कि कैसे आप केटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और केटरिंग का बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू कर दिया तो दोबारा नहीं चलेगा। एक बार आपका खाना पसंद आ गया, एक बार आपका एक सोशल नेटवर्क बन गया, तो जाहिर तौर पर आपका केटरिंग का बिजनेस अच्छे से चल सकता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।